नमस्कार, आप देख रहे थे टिंग टांग न्यूज में, मैं ममता सोनी। और आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले में बाघ नदी थाना अंतर्गत ग्राम चिरचारी में लॉकडाउन के पश्चात प्रशासन द्वारा पलायन कर रहे मजदूरों को रुकवाने के लिए राहत शिविर लगाया गया था। शिविर में करीब 700 से अधिक मजदूरों को रुकवाया गया था। शासन के निर्देश पर 14 और 15 अप्रैल को स्पेशल बस में मजदूरों को छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर के जिले में राहत कैंप में ठहराया गया है। इनमें से एक राहत शिविर सूरजपुर तो वहीं दूसरा राहत शिविर जशपुर जिले में है, जहां लगातार पिछले दो दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें दो संक्रमित मरीज चिरचारी राहत शिविर से बसों के माध्यम से वहां भेजे गए हैं। गौरतलब है कि चिरचारी राहत शिविर में प्रशासनिक अफसरों के अलावा जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों का भी लगातार आवाजाही थी। वहीं प्रशासन के द्वारा सूरजपुर, जशपुर और अन्य जिले में भेजे गए मजदूरों की जानकारी जुटाई जा रही है। कोरोना पॉजिटिव आए संक्रमित व्यक्तियों के चिरचारी राहत शिविर के होने की खबर आने के बाद से काफी प्रश्न उठने लगे हैं, जिसमें से एक प्रश्न ये है कि राहत शिविर में रोके गए मजदूरों का क्या स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया, या फिर संक्रमित व्यक्तियों को संक्रमण चिरचारी राहत शिविर के जाने के बाद हुआ। और एक एक हाथ की दूरी बना करके रखें, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ द टिंग टांग न्यूज में।